हर समाज को लेकर हम यहाँ से हमको ज़िले की पोस्ट दी गई है और मैं इंशाल्लाह अच्छे तरीके से काम करूँगा। औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज हम यहाँ भीड़ बाईपास पर आए हुए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला शहर अध्यक्ष पर नियुक्ति होने पर ख्वाजा सरफुद्दीन उर्फ मुल्ला साहब के पास आए हुए हैं, तो उनसे भी तासीरात लेते हैं। मैं सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मेरे को ये पोस्ट दी और मेरे पार्टी ने मेरे को विश्वास से पोस्ट दी। मैं इसके पहले कार्याध्यक्ष भी था और हम पवार साहब के विचारधारा के ऊपर औरंगाबाद शहर के विकास के लिए और आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन के ताल्लुक से हम औरंगाबाद शहर में राष्ट्रवादी की विचारधारा हर समाज को लेकर हम यहाँ से हमको ज़िले की पोस्ट दी गई है और मैं इंशाल्लाह अच्छे तरीके से काम करूँगा और आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन में हम ज़्यादा से ज़्यादा हम नगर सेवक लाने की कोशिश करेंगे और हम घर घर राष्ट्रवादी और हर महीने में हम जाकर जो हमारे कोई बड़े नेता बड़े हमारे जो भी पवार साहब को मानने वाले बहुत बड़ा यहाँ एक वर्ग है कि पवार साहब ने बहुत से साथ दिवाले मगर उनको जब तक वो ऐसे लोगों के घर को जाएंगे नहीं या बोलेंगे नहीं तो वो काम भी नहीं करेंगे। हम उनको जिम्मेदारी देंगे और आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन में हम हर महीने में वार्ड में हर पूरे औरंगाबाद शहर ज़िले के अंदर हम राष्ट्रवादी करेंगे और मेरे को मेरे पार्टी ने मेरे ऊपर औरंगाबाद शहर की जिम्मेदारी दी। मैं इस जिम्मेदारी को पूरे अच्छे तरीके से निभाऊंगा और आने वाले महानगर पालिका में हो किसके गरीबों के सुख में दुख में हर चीज़ में मैं पहले से तो करते जाता हूं मगर आप ये जिम्मेदारी मेरे को बड़ी मिली आली तो मैं रात दिन शहर के गरीब बड़े छोटों के साथ रहकर मैं ये काम करूँगा और मेरे को जयंत पाटिल साहब ने ये मेरे को जिम्मेदारी दी। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, भूपेश साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अजीत दादा का, बाकी धनंजय मुंडे का। मेरे को विश्वास से मेरे को ये पार्टी में मेरे को शहर अध्यक्ष दिए। मैं ये पार्टी के पूरा हर चीज़ तरीके से मैं ये काम करके पार्टीदारी दी। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, भूपेश साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अजीत दादा का, बाकी धनंजय मुंडे का। मेरे को विश्वास से मेरे को ये पार्टी में मेरे को शहर अध्यक्ष दिए। मैं ये पार्टी के पूरा हर चीज़ तरीके से मैं ये काम करके पार्टी को बढ़ाने की कोशिश करूँगा।
अच्छा साहब, आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जिला शहर नियुक्त किया है, आपको मुबारक हमारे चैनल की तरफ से। अल्पसंख्यक समाज के बहुत से मसले मसाइल हैं, जो लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अल्पसंख्यक के नेता है, कांग्रेस पार्टी में है, शिवसेना पार्टी में है, मगर वो अल्पसंख्यक के जब काम होते हैं तो वो सामने नज़र नहीं आते सर, तो उसके बारे में बताइए आप। हमारे पवार साहब की भूमिका हर समाज को लेकर चलने की है। एक समाज ऐसा नहीं कि एक ही समाज को लेकर चलेंगे, ये पार्टी है, सबको लेकर चलने वाली पार्टी। तो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ऐसा अल्पसंख्यकों को या पूरे समाज को नहीं, ये पार्टी ऐसी है, सभी को लेकर चलने वाली पार्टी है। और बाकी का पवार साहब के ये विचार हैं, हर समाज, हर जात, कोई भी मुद्दा, औरंगाबाद का जब कोई सा मुद्दा, जब यूनिवर्सिटी का मुद्दा आया तो वो जात पात देखे नहीं, उन्होंने वो सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनाए, बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। मैं जात पात की बात नहीं कर रहा सर, अपने औरंगाबाद में जब से महानगर पालिका बनी तो अल्पसंख्यक समाज के अब्दुल रशीद मामू ही मेयर बने यहाँ पर, और जब भी महानगर पालिका में सत्ता में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या शिवसेना पार्टी आती है तो मेयर के लिए अल्पसंख्यक समाज को हाशिए पर रख दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। तो आप अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला शहर अध्यक्ष बने हैं, तो जब आपकी सत्ता आती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस की, तो क्या आप मेयर, मुस्लिम मेयर बनाने की कोशिश करेंगे, उस बारे में खुलकर बताइए। इंशाल्लाह करेंगे, अल्लाह करेगा। और आप ऐसा बोल रहे कि इसके पहले हमारे जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और तीसरी आघाड़ी की हमारी इसके पहले युति थी, तो मैं सिर्फ दो या एक मत से गिर गया था। ऐसा नहीं कि कान देते नहीं, देते ना राष्ट्रवादी की तरफ से उप महापौर का देते, मगर लाते नहीं चुनके। मैं उसका सब, मेरा सवाल वो है, आप उसके बारे में बताइए। थोड़े कम ज़्यादा थे हमारे पास, अपक्ष ज़्यादा थे, मगर कुछ लोग का भाग्य चाहते भी नहीं थे यहाँ पे कि बढ़ना आना। आने वाले इसमें ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, आने वाले इसमें सभी पक्ष को, हर जात को लेके पार्टी जो है पूरे समाज को लेके चलने वाली है राष्ट्रवादी है। और राष्ट्रवादी एक ऐसी चीज़ है, आने वाले इसमें जो यही राष्ट्रवादी है जो 60 वाला मुख्यमंत्री भी बना, जो 52-53 वाला यहाँ पे बढ़ना आना। आने वाले इसमें ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, आने वाले इसमें सभी पक्ष को, हर जात को लेके पार्टी जो है पूरे समाज को लेके चलने वाली है राष्ट्रवादी है। और राष्ट्रवादी एक ऐसी चीज़ है, आने वाले इसमें जो यही राष्ट्रवादी है जो 60 वाला मुख्यमंत्री भी बना, जो 52-53 वाला उप मुख्यमंत्री बना और 40 वाला मिनिस्टर बना और 105 वाला विरोध में, वो राष्ट्रवादी है। शरद पवार साहब के विचार ही सबको लेके चलने वाले, वो सोच सकते थे कि अपन जो नई काम होता हमारे पवार साहब करते वो वैसा ही महानगर पालिका में आने वाले इलेक्शन में वो चमत्कार होगा, इसकी मैं गवाही देता हूँ। और आपका भी सबका साथ रहेगा, यहाँ जातिवाद जो BJP MIM ये पक्ष जो अलग अलग जो फोड़ रहा, जो आज का माहौल है औरंगाबाद का, एक पहले यहाँ पे जो खासदार भी मुस्लिम था, आमदार भी मुस्लिम था, जब थोड़ी ऐसा कोई था, आज भी इंशाल्लाह बाकी का आने वाले इसमें सब समाज, हर समाज यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बाकी सब समाज, पूरा समाज जब मिलजुल के रहेगा औरंगाबाद में, और उससे ही सब भाईचारा चलेगा। ये राष्ट्रवादी की भूमिका है, पवार साहब की भूमिका है, हमारी सबकी भूमिका है। MLC के जो इलेक्शन होते हैं, MLC की जो सीट होती है, तो आप जिला अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, तो क्या आप एक कोई मुस्लिम चेहरे के लिए मांग करेंगे ऊपर पार्टी से, उस बारे में बताइए। इंशाल्लाह हम मांग करेंगे, मुस्लिम चेहरा देने लगाएंगे, और मुस्लिम चेहरा दिए, बाकी का हमारे फौजिया खान आज दो बार पहले भी आमदार बनाए, उनको MLC दिए, मिनिस्टर बनाए, आज भी उनको खासदार बनाए। अभी ऐसी पार्टी यही एक है कि हर समाज को लेके चलने वाली पार्टी है। आने वाले इसमें तो हम मंगेंगे, मगर अब भी दे चुके हैं उन्होंने, अभी खासदार हमारे फौजिया खान है, पार्टी ने हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस ने फौजिया खान को हमारे मराठवाड़े में हमको उनके साथ दिवाली है, और उन्होंने भी अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, औरंगाबाद में यहाँ से उन्होंने भी महानगर पालिका में बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। हेलो।
अभी हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए ख्वाजा सरफुद्दीन साहब उर्फ मुल्ला साहब से बातचीत किए और उनसे पूछा हमने कि औरंगाबाद शहर में जब MLC का इलेक्शन आता है तो आप कोई मुस्लिम चेहरा अल्पसंख्यक समाज का पार्टी से मांग करेंगे कि औरंगाबाद ज़िले के लिए भी आप उसकी नियुक्ति करें। तो साहब ने बताया कि हमारी राष्ट्रवादी पार्टी तो हर समाज का काम करती है और शरद पवार साहब भी हर समाज का काम करते हैं, हर समाज के लोगों को साथ में लेके चलते हैं। मैं कैमरामैन कलीमुद्दीन के साथ इब्राहिम मोमीन, औरंगाबाद न्यूज़।